सरकार नई है तो भूमिकाएं भी नई होना लाजमी है। जी हां, बीजेपी में अब इस बात की चर्चाएं तेज हो गई हैं। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की मोदी सरकार में अब अगली भूमिका क्या होगी, कयास पहले ही लगाए जा रहे हैं। मोदी मंत्रिमंडल में अमित शाह को कोई अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन सवाल यही है, यदि अमित शाह को मंत्री बनाया जाता है तो बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। शुरुआत में आ रही खबरों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा या धर्मेंद्र प्रधान में से किसी एक को बीजेपी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस रेस में हिंदी भाषी और जनाधार से जुड़े नेता के तौर पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह का नाम भी शामिल है। राजनीतिक जानकारों का मानना है, अमित शाह ने पार्टी में अध्यक्ष पद संभालने के बाद बीजेपी का ग्राफ जिस अंदाज में बदला है, उनका रिप्लेसमेंट तलाशना पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। इधर पार्टी की चौतरफा हार से हाशिए पर आई कांग्रेस में भी हलचल कम नहीं है। राहुल गांधी ने आम चुनाव में हार की जिम्मेदारी ली है और साफ कह दिया है अब वो पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान नहीं संभालेंगे। आपको बता दें, चुनाव में शिकस्त और राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद पार्टी के कई कद्दावरों ने इस्तीफे सौंपे हैं। साथ ही परिवारवाद को लेकर भी कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी अपने फैसले पर अडिग रहते हैं तो यहाँ भी सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों में असमंजस की स्थिति है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कांग्रेस और बीजेपी दोनों का अगला मुखिया कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। आज की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज सैनी। और आज का मुद्दा है, अगला अध्यक्ष कौन। अगला अध्यक्ष किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि दोनों ही राष्ट्रीय जो पार्टी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों को लेकर इस वक्त संशय की स्थिति बनी हुई है। और जैसे जैसे अब दिन गुजर रहे हैं तो जुबा पर कई सारे नाम भी आने लगे कि भारतीय जनता पार्टी का, खासकर अमित शाह, एक ऐसे नेता बनकर उभरे हैं, एक ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर उभरे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, यदि ये कहा जाए तो, फर्श से लेकर अस्त तक पहुंचा दिया तो बड़ी बात नहीं होगी। आज आधे से ज़्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कई सरकारें ऐसी हैं जो मिलकर चल रही है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के साथ मिलकर चल रही है। और यदि वर्तमान चुनाव पर भी हम नज़र डालें तो 18 राज्य ऐसे हैं जहां सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का खाता भी नहीं खुलने दिया। तो इसका श्रेय सीधे तौर पर कप्तान को जाता है, क्योंकि जब हार होती है तो कप्तान की जिम्मेदारी होती है और जीत होती है तो भी कप्तान की जिम्मेदारी होती है, कप्तान को ही उसका श्रेय भी मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ यदि कांग्रेस की बात करें तो वही श्रेय की बात जब आती है तो राहुल गांधी ने इस बात को माना कि पार्टी की हार हुई है और लगातार 3 दिन हो गए हैं उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र देने की बात कही। थोड़ी ही देर पहले प्रियंका गांधी और पार्टी के वरिष्ठ नेता, एक और कांग्रेसी नेता, जिनसे मुलाकात हुई और उन्होंने समझाइश दी कि इस्तीफा आप ना दें, हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो बहरहाल बात इस बात पर बन गई है कि ठीक है, कुछ दिन में आप मेरा जो जिम्मेदार दूसरा व्यक्ति होगा उसको तलाश लीजिए, जब तक मैं कांग्रेस के साथ हूँ। तो अब सवाल यही कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा और भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा। चलिए आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर राजेश शर्मा, मैं उनका स्वागत करता हूं। और साथ ही मेरे साथ रहेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी, उनका भी स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार डिजियाना ग्रुप के मीडिया सलाहकार श्री रमेश शर्मा जी भी मेरे साथ रहेंगे, उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले रमेश शर्मा जी, चूंकि लंबा अरसा बीत गया पत्रकारिता करते करते, मुझे लगता है कई अध्यक्ष आते जाते आपने देखे होंगे, मेरे कार्यकाल में भी मैंने देखे हैं, लेकिन मुझसे कई ज़्यादा लंबा अनुभव आपका है सर। तो क्या कहेंगे, वर्तमान की जो परिस्थितियाँ हैं, जब किसी का कद बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो बड़ी मुश्किल होती है उस पद को किसी और के लिए देना, क्योंकि जिम्मेदारी वही रहेगी और लोग भी वही आशा और उम्मीद लगाकर बैठेंगे जो भी नया अध्यक्ष होगा। नाम तमाम सारे हैं, आप देख रहे होंगे, लेकिन क्या कौन हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से और कौन हो सकता है कांग्रेस? कहा है, भारतीय जनता पार्टी को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने में मशक्कत तो बहुत करना पड़ेगी, क्योंकि कई बार ऊंचाई पर पहुँचना जितना आसान होता है उस पर बने रहना उतना ही मुश्किल होता है। आज भाजपा जिस ऊंचाई पर है, अध्यक्ष का नाम ऐसा चाहिए जो सबको कोऑर्डिनेट कर सके और कहीं अगर अपनी बात कहना हो तो उसको रौब के साथ मनवा सके। ये सारी की सारी खूबियाँ अमित शाह के भीतर थी। इनके विकल्प के रूप में अभी कोई नाम तो आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जो दो नाम आपने बताए हैं, धर्मेंद्र प्रधान का और नड्डा जी का, उसमें मुझे लगता है कि अगर इन दोनों में से ही किसी को चुनना होगा तो पार्टी फिर नड्डा को पसंद करेगी।
चूंकि उनका नेटवर्क है। इसके अलावा अगर आपने देखा होगा तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले एक वर्ष में दो वर्ष में कुछ प्रयोग किए हैं जी। उन्होंने प्रदेशों के विभिन्न नेताओं को दिल्ली बुलाया और दिल्ली बुला करके उनको जवाबदारियां सौंपी हैं, जिसमें से हमारे यहाँ के कैलाश विजयवर्गीय भी जवाबदारी सौंपी है, प्रभात झा को भी सौंपी है, अभी पिछले दिनों उन्होंने शिवराज को भी बुलाया है, उत्तर प्रदेश से भी लोगों को बुलाया है, दक्षिण से भी लोगों को बुलाया है। तो मैं समझता हूँ भाजपा ने इन लोगों को जो बुलाया है कहीं ना कहीं भविष्य के विकल्प के रूप में ही बुलाया है। अमित शाह को अगर मंत्रिमंडल में लिया जाता है तो जिस तरीके से भाजपा की कार्यशैली और रही है मनोज जी जी, कि उन्होंने अगर किसी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है या किसी को एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया है तो उसके साथ साथ में वो दो तीन लोगों को साथ साथ चलाते हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो विकल्प के रूप में सामने आ सकें। ये आप श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के समय से देखिए, उन्होंने दीनदयाल जी को साथ साथ चलाया था। दीनदयाल जी के समय देखिए तो उन्होंने अटल जी को साथ साथ चलाया, अडवाणी जी को साथ साथ चलाया। ठीक उसी प्रकार जैसे ही मोदी जी शिखर पर पहुंचे तो उन्होंने अमित शाह को साथ चलाया। अब स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं व्यक्ति ऐसा कोई होगा जिसको वो साथ चला रहे होंगे और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे सामने आएगा। इन दोनों लोगों में से मुझे लगता है नड्डा का नाम हो सकता है, और चूंकि मोदी जी ने 2024 तक कहा था तो मैं समझता हूँ नेतृत्व के लिए, मोदी के विकल्प के लिए अमित शाह को तैयार किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर उनको किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश तो जरूर होगी। अच्छा, आपने एक लाइन और बढ़ा दी कि मोदी के विकल्प के लिए भी अमित शाह को तैयार किया जा सकता है। मान लीजिए ये तो हो गई भारतीय जनता पार्टी की बात, लेकिन कांग्रेस में स्वाभाविक है जब हार होती है तो काफ़ी कोहराम मचता है, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। जीत होती है तो श्रेय लेने वाले सभी मिल जाते हैं, लेकिन हार के बाद जिम्मेदारी लेने वाले कम होते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने इस बारे में तारीफ करना होगा कि उन्होंने जिम्मेदारी ली है और पहले दिन से वो कह रहे हैं कि मैं अध्यक्ष पद छोड़ना चाहता हूँ। हालांकि अभी की जो ताज़ा जानकारी वो यही है कि उनको मना लिया गया, तो क्या कांग्रेस में भी कुछ नए चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं? निश्चित रूप से ये बात भी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसा मैंने कई बार कहा है कि पिछले दो तीन वर्षों से राहुल गांधी जी के जो एटीट्यूड है या जो उनका प्रस्तुतिकरण है उसमें अंतर आया है, उसमें आक्रामकता आई है। हालांकि इस बारे चुनाव में उन्होंने एक जो चूक की है कि बहुत ज़्यादा वो नेगेटिव प्रचार पर चले गए, आरोपों पर चले गए, और उसका उनको नुकसान भी हुआ है। तो मोटे तौर पर वहाँ अगर हम देखें तो विकल्प के रूप में अगर कोई नाम आता है तो वो केवल प्रियंका गांधी जी का नाम आता है, और जिस तरीके से पार्टी ने पिछले 6-8 महीने में उनको प्रस्तुत किया था, मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें भविष्य को ध्यान में रख करके उनको प्रस्तुत किया। लेकिन हम देखेंगे कांग्रेस में भी प्रांतीय स्तर पर कुछ फेरबदल हो सकती है, मध्य प्रदेश में भी कोई नया प्रांताध्यक्ष आ सकता है, छत्तीसगढ़ में भी आ सकता है, कुछ ना कुछ उत्तर प्रदेश में भी होगी, या कुछ और अगर मान लीजिए सीधा वो प्रांताध्यक्ष नहीं बनाते हैं तो कुछ और जवाबदारियों के रूप में मुझे लग रहा है कुछ युवा चेहरे इस बार इसमें सामने आएंगे। जी जी, तो बिल्कुल हार पर हाहाकार कांग्रेस में मची हुई है, और स्वाभाविक तौर पर जब इस तरह से हार होती है तो सवाल भी खड़े होते हैं। जितेंद्र जी के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर राजेश शर्मा से मैं समझने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर राजेश शर्मा जी, क्या कहेंगे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि हमेशा अपनी एक सेकेंड लाइन तैयार की है, सवाल ये उठते रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि आपके पास कोई सेकेंड लाइन के व्यक्ति नहीं है, लेकिन हमें तो दिखता है कि एक सेकेंड लाइन तैयार हुई है भारतीय जनता पार्टी में, और स्वाभाविक तौर पर जो आपका पार्टी का संविधान भी कहता है, हमें लगता है कि अब अध्यक्ष अमित शाह जी नहीं रह पाएंगे, तो अध्यक्ष तो बदलेगा लेकिन अध्यक्ष होगा कौन? अगर हम 2014 में जाएं, अगर पहले देखते हैं जाके, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की यात्रा को भी देखते हैं हम, तो धीरे धीरे अगर हमको इस बात का ज़रूर एहसास और अनुभव होगा कि किस तरह से देश का जनमानस धीरे 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 भारतीय जनता पार्टी में होते जा रहा है, और ये विश्वास दिलाना जन जन में, जो मतदाता है, जो अपना एक मत बनाता है, जो अपना एक ओपिनियन, एक विचार बनाता है, उन विचारों में उस पार्टी के सिद्धांतों को डालना, ये काम बखूबी आदरणीय अमित शाह जी ने 2014 के बाद से किया है जी। और इसको इस दृश्य से देखते हैं जैसे एक स्टेडियम खचाखच भरा हुआ दर्शकों से, और दो टीमें खेलती हैं, और उस टीम में जो प्लेयर्स होते हैं वो जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, और उनका एक कप्तान होता है जो अमित शाह जी हैं, तो एक पूरे टीम को एक उस भावना में लाना और एक ऐसा प्रदर्शन करना जिसमें सारे दर्शक जो एक मतदाता के रूप में देखते हैं और उस गेम को, उस खेल को देख के वो एक अपना ओपिनियन बनाते हैं, तो ये जो 2019 में जो उन्होंने कर दिखाया, ये एक ऐसा एक जनादेश है जो ये बोलेगा कि देश दल से नहीं, दिल से, और जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये एक बहुत ही अनूठा और अनुभव एक्सपीरियंस है, और ये अनुभव
अमित शाह जी ने सबको दिया है और भारतीय जनता पार्टी तो एक गुरुकुल है जी, और उस गुरुकुल में धीरे धीरे जो है संस्कार आते 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 वो व्यक्ति जब कोई भी पद पे आ जाता है, चाहे जैसे आदरणीय शर्मा जी ने बोला है, नड्डा जी हैं, प्रधान जी हैं, आदरणीय शिवराज जी हैं, और भी बहुत से सेकंड लाइन में बहुत से अनुभवी चेहरे हैं, बहुत से अनुभवी चेहरे हैं, और एक चुनाव को किस तरह से बूथ तक ले जाके एक परिपाटी बनाई है, किस तरह से चुनाव लड़ा जाता है, किस तरह से मतदाताओं में विश्वास जगाया जाता है, कैसे उनको एक राष्ट्रीय धारा में जोड़ना है, ये सारी चीज़ें हमको हमारे अध्यक्ष जी ने और मोदी जी ने सिखाई हैं। और इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ही असमंजस की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में है कि कौन अध्यक्ष बनेगा और आने वाले समय में वो किस तरह से पार्टी को और शिखर तक लेके जाएगा। बिल्कुल, मैं आपकी मुश्किल भी समझ सकता हूँ और मुश्किल में डालना भी नहीं चाहता हूँ, इसलिए पूछ भी नहीं रहा हूँ कि आखिर अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन ये बात बड़ी महत्वपूर्ण, आपने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी पार्टी की बात रखी है, बाकायदा क्रिकेट का उदाहरण भी दे दिया आपने। जितेंद्र जी क्या कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी में तो सेकंड लेयर नज़र आ रही है, लेकिन कांग्रेस के अंदर दिक्कत है। नाम दो तीन चाल चल रहे हैं कि अशोक गहलोत भी हो सकते हैं, अमरिंदर सिंह हो सकते हैं, लेकिन अशोक गहलोत की स्थिति यह है, ताज़ा जानकारी जो अभी इसी वक्त मेरे पास जो जानकारी है कि अशोक गहलोत मिलने की कोशिश कर रहे हैं लगातार राहुल गांधी से, लेकिन बाहर खड़े रहे, मिले नहीं। उसी बीच सचिन पायलट भी वहां पहुंचे, वो भी मिलना चाह रहे हैं और शायद सचिन पायलट से उनकी पहले मुलाकात हो सकती है। अंदेशा ये भी है कि अब राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है और उन्होंने दुख भी जाहिर किया है, नाराजगी भी जताई है कि दो उनके जो हिंदी भाषी राज्य जहाँ से अभी अभी कांग्रेस की सरकार बनी थी लेकिन लोकसभा में प्रदर्शन नहीं कर पाए, सीधे तौर पर कहा जा सकता है, चूँकि जीरो है राजस्थान में, तो जीरो है, एक भी सीट नहीं जीत पाए। लेकिन यहाँ की यदि हम बात करें तो कम से कम कमलनाथ जी अपने बेटे को जिताने में सफल रहे, तो ऐसा लग रहा है कि परिवार बाद पार्टी पर भारी पड़ गया। जितेंद्र जी, देखिए मनोज जी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की जो बात चल रही है, ये अगर अंदर से देखा जाए तो नेतृत्व परिवर्तन की कांग्रेस में जरूरत नहीं है, सारे मान के चल रहे, क्योंकि जिम्मेदारी सामूहिक होती है, अकेला अध्यक्ष इसमें भागीदार नहीं होता है, अगर पराजय होता है, अगर जीत होती है तो निश्चित तौर पर सबकी वो रहती है जी, सब शामिल रहते हैं, तो जीत का श्रेय यदि सबको दिया जाता है तो हार की जिम्मेदारी भी सामूहिक होती है। मुझे लगता है कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की जो बात चल रही है ये नहीं होगा। हाँ, एक बात जरूर है कि कुछ कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति कांग्रेस में की जा सकती है, जिसको लेकर के आपने देखा कयास भी लगाए जा रहे हैं और मुझे लग रहा है अंदर खाने में कुछ ऐसी हलचल भी है, एक चीज। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व परिवर्तन की बात जो है, भारतीय जनता पार्टी में आपने शुरू से देखा होगा कि अभी इस बार देखें जो वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है बहुत ज्यादा मिला है, समाज के सभी वर्गों का वोट मिला है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को अपना चेहरा बदलने की जरूरत है। जिस तरह से आपने देखा कि अटल जी एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हुआ करते थे, अटल जी के बाद जब इस भारतीय जनता पार्टी को लगा कि नहीं और कोई हार्ड कोर हिंदुत्व चेहरा चाहिए, जब आडवाणी जी को सामने लाया गया, आडवाणी जी के बाद भी इन्हें लगा कि और कोई हार्ड चेहरा चाहिए जो कि हिंदुत्व की बात कर सके, जब अमित शाह जी से लोग आगे आए थे, ये आपके सामने उदाहरण है। बिल्कुल, अब चूंकि इतने सारे वोट मिले हैं और सारी समाज के वोट मिले हैं तो अब इनको चेहरा बदलने की जरूरत है, अब कोई ऐसा चेहरा सामने लाया जाएगा जिससे कि समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिख सके, क्योंकि अभी जो अमित शाह का चेहरा है ये निश्चित तौर पर एक पक्ष का चेहरा है, एक समाज का चेहरा है, एक समाज को आगे बढ़ाने वाला चेहरा है, सबका साथ सबका विकास वाला चेहरा ये नहीं साबित हुआ, इसलिए इस चेहरे को बदलने की जरूरत है। क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि इतने ज्यादा परसेंटेज वोट का बढ़ गया जी, सबका साथ सबका विकास कितना हुआ है अलग मुद्दा है, लेकिन समाज तो तमाम सारा खड़ा हुआ है, जब ही तो इतना परसेंटेज बढ़ा है। हाँ, तो इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी को अब अपनी छवि बदलने की जरूरत है जी, क्योंकि आपने देखा कि अमित शाह के समय में, अमित शाह और श्री मोदी के समय में आपने देखा हो, चाहे विकास के मामले में, ये चीज तो स्वीकार करना पड़ेगी कि आर्थिक मामलों में सरकार फेल हुई, चाहे जीएसटी का मामला हो, चाहे नोटबंदी का मामला हो, इन दोनों मामलों में आपने देखा कहीं ना कहीं सरकार फेल हुई। रोजगार के मामले में आप देखिए सरकार रोजगार नहीं जुटा पाई, बहुत सारे किसानों के मामले में भी डिससेटिस्फेक्शन था, देखिए आपने देखा ना आपने कि इस मामले में किसानों को भी डिससेटिस्फेक्शन था, तो अब इन सबके बाद यदि वोट मिला है तो भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता होगी कि अच्छा राहुल गांधी का इस्तीफा आप क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्या डर है इस बात का कि पहले जैसी स्थिति हो जाएगी एक बार जैसा हो चुका है, या फिर डर इस बात का है कि आएगा कौन सामने, क्या सेकंड लेयर तैयार नहीं हुई कांग्रेस? नहीं, देखिए
देखिए मैं आपको बताऊं, आपने देखा कांग्रेस सेकंड लेयर तैयार करने में, द्वितीय पंक्ति के नेताओं को तैयार करने में मनोज जी कभी पीछे नहीं रही, चाहे वो क्षेत्र के नेता हो। आपने देखा जो हमारे ऊपर छत्रपों का आरोप लगता है वो हम क्षेत्रीय स्तर पर अपने नेताओं को मजबूत करते हैं, इसलिए हमारे ऊपर आरोप लगता है। रहा आपने देखा द्वितीय पंक्ति की, मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में देखिए आप कितने ज्यादा नए चेहरों को मौका दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष हम आज से नहीं कर रहे, ये शुरू से कर रहे। रहा राष्ट्रीय नेतृत्व का सवाल, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदलने का मुझे लगता है आज जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने काफी संघर्ष किया है और वो संघर्ष जो है वो कार्यकर्ता जानता है। इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर नेतृत्व परिवर्तन की मांग अभी नहीं उठी है। हाँ ये जरूर है कि और मजबूत करने के लिए कुछ कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। एक चीज, दूसरी चीज, मनोज जी अभी राजेश जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने क्रिकेट का उदाहरण दिया। मैं आपसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि जब क्रिकेट की कमेंट्री होती है, क्रिकेट में जब कोई टीम जीतती है तो उसमें क्या होता है, उसमें यह केवल नहीं होता कि जो जीती उसी के ही गुणों का बखान किया जाए, यह देखा जाता है कि आज दिन में क्या चला। ये तो आपने देखा होगा ना कि अगर मान लीजिए प्रतिपक्ष टीम की टीम में भी किसी ने मेडन डाला, किसी ने ज्यादा कैच लिए तो उसका भी जिक्र आता है। तो आज देश में ये भी विमर्श का विषय होना चाहिए कि देश में क्या चला, जीएसटी चली, नोटबंदी चली, बेरोजगारी चली, ये सारे के सारे मुद्दे देश के सामने मनोज जी खड़े रहे और उनसे पीछे छुड़ाने के लिए एक नेतृत्व बदलने की आवश्यकता आज भारतीय जनता पार्टी को पड़ रही। राजीव जी सही कह रहे हैं कि जितेन मिश्रा जी, दूसरी बात यह है कि वास्तव में इसलिए नेतृत्व बदलना पड़ रहा है या आपके यहाँ एक, मेरे ख्याल से संविधान भी इस तरह का है कि नेतृत्व बदलने की बात, यह तो बड़ा विरोधाभास मतलब प्रतीत होता है जितेन जी की बातों से कि एक कप्तान जो है वो लगातार मैच जीतते जा रहा है और आप सडनली बोलो कि नहीं नहीं अभी इसने 100 में 100 नंबर ले लिए, ये गलत बात है, अब आप बदलो इस कप्तान को, ये कहाँ से बात होगी। और दूसरी बात है जो हमें जनादेश का इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए कि भारत देश के आधे से ज़्यादा more than 50% लोगों ने जो मतदान किया है उस विचार को अगर हम आदरपूर्वक देखते हैं तो क्या लोगों ने डिमोनेटाइजेशन है या जीएसटी है उसे दरकिनार कर दिया, आपके राफेल के झूठे आरोपों को जो है आपने जो है जो भी ऊटपटांग बरगलाने की कोशिश की, समझदार मतदाता भारत का उसने सब चीज़ों को हटा दिया। और रही बात हिंदुत्व की, तो 2014 से लेकर 2019 तक कोई एक मुद्दा नहीं था कि उन्होंने हिंदुत्व की बात की हो, केवल और केवल राष्ट्रीय विकास। मैं जानता हूँ कि आज एक उस घर में जाके कल्पना करिए, एक गांव में जाके, जिस गांव में आज से 10-20 साल पहले कहीं बरसात में बच्चे को अस्पताल लेके जाना है तो कीचड़ से चल के निकलना पड़ता था। मैं अगर होशंगाबाद की बात करता हूँ तो एक एक घर जो है सड़क से जुड़ा हुआ है। और उस व्यक्ति की जीवन को देखिए, जिसके घर पे छत नहीं थी, जिसके सर पे छत नहीं थी, आज जो है 2022 तक तो सबको मिल रही है, लेकिन यस वो परिवर्तन शुरू हुआ है। घर में जो माता बहनें जो हैं धूल के सामने जो है धुएं के सामने अपनी आंखें फोड़ती थीं, आज वो एक अच्छे किचन में काम कर रही हैं। और बाहर जो मतलब ऐसे एक नहीं है, सारे के सारे काम केवल और केवल राष्ट्रहित के लिए। डॉक्टर राज, कभी कभी बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब इस तरह का अध्यक्ष हो जाए जिसका कद बहुत ऊंचा हो जाए, तो क्या उस कद का व्यक्ति मिलने में दिक्कत हो जाती है पार्टी के सामने? आप जिक्र मत कीजिए कौन वो नाम होंगे, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, बार बार कहूंगा कि आपकी मुश्किल हो सकती है जितेन जी के सामने मुश्किल। जी, ये तो एक विकास यात्रा है जी। कोई व्यक्ति अगर अपना रिकॉर्ड बनाता है तो वो एक 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 प्रकार से एक आदर्श बना देते हैं, एक लेसन, एक उन्होंने यात्रा स्थापित कर दी और उनके पदचिन्हों पे चल के दूसरे कई लोग जो हैं वो उस जगह पे जाएंगे और जो पूरा संस्थान है उसको ऊपर शिखर की तरफ ले जाने का काम करते हैं। इसमें ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि कोई बीच में विषम भाव पैदा हो रहे हैं कि एक व्यक्ति पार्टी से ऊपर बढ़ गया, ऐसा नहीं है बिल्कुल। उन्होंने अपनी जीत और मेहनत से, आप उनकी जीवन यात्रा को देखें कि एक बूथ वर्कर से लेके सिंपल कार्यकर्ता से लेके कहां तक गए, वो तो मिसाल है हम लोगों के लिए। वो बोलते भी हैं कि अगर वो व्यक्ति जो बूथ पे जो कार्यकर्ता है वो ईमानदार है तो कहां तक जा सकता है, एक साधारण कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है। ये तो इस देश की विशेषता है, हमारे देश की विशेषता है, भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि वहां पे ये बात बिल्कुल आपने सच कही कि ये बीजेपी में ये तो देखने को मिलेगा। और जितेन जी से मैं इसका जवाब भी लूंगा पहले, लेकिन राज शर्मा साहब के पास चलूंगा। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से दोनों ही पार्टी की हम बात कर रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस की, ये बात सच है कि कद बहुत बढ़ा है अमित शाह का, पहले भी मैं आपसे यही कह रहा था, लेकिन ये बढ़े हुए कद में जो कद देखिएगा, और मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार किया था, जब वहाँ पर सरकार बनी उसके बाद ये शुरू हो गया था कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिम्मा अमित शाह जी को मिलेगा, मिल गया। उसके बाद उन्होंने लगातार कई रिकॉर्ड बनाए, कई स्टेट में सरकारें बन गई, खुद की सरकार केंद्र में उनके नेतृत्व में दूसरी बार सरकार और बहुत ही शानदार बहुमत के साथ वापस आई है।
अब इसी तरह का एक चेहरा कैलाश विजयवर्गीय, हालांकि उनको भी जिम्मेदारी दी गई पश्चिम बंगाल की, और पश्चिम बंगाल जैसा क्षेत्र जहां भारतीय जनता पार्टी पहले 81 सीट लेकर कभी आई है, लेकिन अब इस बार 18 सीटें मिली है, तो क्या ये भी एक चेहरा हो सकता है मध्य प्रदेश का, हिंदी भाषी राज्य का भी चेहरा है? ये निश्चित रूप से आपने ठीक कहा, जो भी चेहरा विकल्प के रूप में आएगा वो ऐसा ही आएगा कि उसकी जो यात्रा है वो तो शून्य से लेकर सृष्टि तक की जो यात्रा हमारे यहाँ कही जाती है बिंदु से विराट बनने की, जो यात्रा अमित शाह की है, जो यात्रा अटल जी की रही, जो अडवाणी जी की रही, जो नरेंद्र मोदी जी की है, उस यात्रा में कोई व्यक्ति जो शून्य से शुरू हुआ हो और ऊपर तक गया हो उस व्यक्ति को ही ध्यान दिया जाएगा। और उसमें निश्चित रूप से कैलाश विजयवर्गीय का जो परफॉर्मेंस बंगाल में रहा है, अगर उनको अध्यक्ष ना भी बनाया गया तब भी उनको केंद्र में कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तो मिलना तय ही है। चलिए, और कांग्रेस के लोग जैसे कह रहे हैं, जितेन जी लगातार कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, लेकिन कांग्रेस की कमी ये रही है कि सेकंड लाइन मुझे तो नजर नहीं आती है। और जब सेकंड लाइन, आपने देखा होगा पूर्व के वर्षों की हम बात करें, जब सीताराम केसरी अध्यक्ष बने थे वो दौर आपको याद होगा, बाद में सोनिया गांधी को कमान संभालना पड़ी थी और कांग्रेस बच निकली थी, और आज कांग्रेस ने उसके बाद 2 चुनाव भी जीते और केंद्र में भी रही, लेकिन एक बार पुनः उसी मुहाने पर आकर कांग्रेस खड़ी है। निश्चित रूप से ये बात आप ठीक कह रहे हैं, एक वो जमाना चला गया जब कांग्रेस में भी अध्यक्ष कहीं से भी होता था, लेकिन अब केवल अगर नरसिम्हा राव जी का कार्यकाल आप हटा दें, वो प्रधानमंत्री भी रहे और अध्यक्ष भी रहे, वो अगर कार्यकाल हटा दें तो उनके अलावा फिर कोई बाहर का व्यक्ति इस परिवार से अगर आया है तो वो पार्टी को ढंग से चला नहीं पाया है। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी जी का विकल्प तलाश करना कांग्रेस को वाकई मुश्किल में जाएगा, और हो सकता है अगर बाकी अगर राहुल गांधी जी अड़े रहे, लेकिन संभावना इस बात की है कि वो मान लेंगे, लेकिन अगर वो अड़े अच्छा, रहे तो इसमें भी कोई रणनीति नजर आ रही है राहुल गांधी की लगातार अड़े रही है, कांग्रेस तो स्वीकार करेगी नहीं, आखिरकार वही बने रहेंगे और एक मैसेज भी चला जाएगा जैसा कि सोनिया जी ने पहले प्रधानमंत्री का पट ठुकरा दिया था। देखिए, इसमें मुझे कोई ऐसी कोई रणनीति या चालाकी तो इसमें मुझे लगती नहीं है। राहुल गांधी ने अगर इस्तीफा की बात कही होगी तो फिर वो तय करके ही कही होगी, और उनको खींच भी लगी होगी कि उन्होंने इतनी मेहनत की और रिजल्ट ढंग से आए नहीं, तो को हो सकता है उनकी इमेज भी खराब हो। इसमें मुझे कोई बहुत कूटनीति रणनीति तो नहीं लगती, उन्होंने किया ही होगा, इस्तीफे की पेशकश की ही होगी। अब ये पार्टी को तय करना है वो किसका नाम तय करती है। ठीक है जितेन जी, आखिरकार क्या मान लिया जाए, क्या ये तय हो गया कि 3 कार्यकारी अध्यक्ष जिनका आप जिक्र कर रहे थे पहले जब मैं आपसे बात कर रहा था, कि अब कार्यकारी अध्यक्ष भी रहेंगे और राहुल गांधी अध्यक्ष बने रहेंगे? देखिए मनोज जी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि सोनिया जी के समय भी आपने देखा था इस तरह की बातें आई थी, लेकिन उन्होंने अपने नेतृत्व को प्रूव किया और बाद में फिर सरकार बनी, यही आज फिर होने जा रहा है। आप ये देखिए कि नेतृत्व में कहीं कोई कमी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नहीं नजर आ रही, हम फिर अपने आप को सिद्ध करेंगे, हम फिर सरकार में आएंगे। सरकार हमारी प्राथमिकता नहीं है, हमारी प्राथमिकता ये है कि संगठन को मजबूत किया जाए और फिर से संगठन को आगे ला करके फिर से विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव या जो आने वाले चुनाव हो उनमें विजयश्री हासिल की जाए। आपने देखा हम संगठन को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रहे थे और उसका परिणाम ये हुआ कि चाहे रतलाम उपचुनाव हो, अटेर हो, चित्रकूट हो, कोलारस मुंगावली, जितने सारे उपचुनाव हुए वो सारे के सारे आपने देखा कांग्रेस जीतती गई। तो कहीं ना कहीं हमारे संगठन की वजह से हुआ और वो संगठन निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व के सहयोग से मजबूत हो रहा था यहाँ पर, और उसका परिणाम ये हुआ कि मध्य प्रदेश में सरकार भी कांग्रेस की बनी। तो हो क्या रहा है भारतीय जनता पार्टी में मनोज जी, यहाँ पर द्वितीय पंक्ति की आप लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि यहाँ द्वितीय पंक्ति को जीवित रहने दिया जा रहा है। आपने मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखिए क्या हुआ, अकेले शिवराज सिंह जी एक चेहरा होते थे जो पंचायत से लेकर लोकसभा तक के टिकट दिलाने की और उनको जिताने की जिम्मेदारी लेते थे। उसका परिणाम यह हुआ कि चाहे वो नरोत्तम मिश्रा जी हो, या ये लड़ाई आज से नहीं शुरू हुई, ये लड़ाई विक्रम वर्मा के जमाने से शुरू हुई थी, एक दूसरे को निपटाने, जो नेतृत्व जो नेता शिवराज जी के बराबर पे आता था उसको कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया जाता था, ये आपने देखा। तो ये द्वितीय पंक्ति को कहां लाने की कोशिश हो रही, उल्टे द्वितीय पंक्ति मध्य प्रदेश में समाप्त हुई, वही राष्ट्रीय स्तर पर हुआ, सिर्फ 2 लोगों की पार्टी बनकर के रह गई, आपने देखा, तीसरा कोई नहीं। मुझे लगता है जितेन जी, चलिए अब मेरे पास समय इजाजत नहीं देता, एक रमेश शर्मा साहब से एक छोटी सी लाइन जरूर समझना चाहूंगा चलते चलते। क्या सर, जिस तरह से 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं अमित शाह जी, तो क्या तीसरी बार बन सकते? तीसरी बार नहीं बन सकते, उनके यहाँ 2 ही बार बनते हैं। तीसरी बार के लिए फिर एक आध बार का गैप बहुत जरूरी है, कुछ दिनों के लिए अगर उनको अमित शाह जी कोई कमान सौंपनी है तो कुछ दिनों के लिए उनको कोई आदमी तो चेहरा लाना ही पड़ेगा, भले ही चाहे वो दिखावटी हो। तो शर्मा जी ये होने वाला, राज शर्मा जी जी चेंज होने वाले अध्यक्ष? हाँ
हाँ, ऐसा जो अभी प्रक्रिया चल रही है उसमें अगर अमित जी को एक अहम भूमिका मंत्रिमंडल में सरकार में देते हैं तो फिर वो जो पार्टी का वो है एक व्यक्ति एक पद, उस सिद्धांत पे भी जो है अध्यक्ष के लिए जो है चयन किया जाएगा किसी योग्य व्यक्ति। चलिए ठीक है, आप तीनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा कि आप मेरे साथ जुड़े, रमेश शर्मा जी, राजेश शर्मा जी और जितेंद्र मिश्रा जी। लेकिन ये सच है कि प्रजातंत्र की खूबसूरती इसी में होती है कि विपक्ष भी मजबूत रहे, और पहली दफा जब नरेंद्र मोदी ने बोला तो उनके भाव में भी ये नजर आया कि हम भी चाहते कि विपक्ष बना रहे, और विपक्ष की निश्चित रूप से भूमिका महत्वपूर्ण होना चाहिए ताकि विपक्ष हो या आम जनता, बार बार ये बताते रहें हम जहाँ चूक करें वो हमें बताते रहें कि हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये कहना और करना दो अलग बात होती है, पर ये जरूर है कि इस बार दोनों ही पार्टियों के अध्यक्ष बदलना तय है, क्योंकि एक को यदि संगठनात्मक तरीके से कहें, संवैधानिक तरीके से कहें, पार्टी का जो संविधान कहता है उसके मुताबिक कहें, तो भी अमित शाह को कुछ दिन के लिए तो कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटना होगा। और यदि दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष की बात करें तो वहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, पर ये मानकर चलिएगा कि अध्यक्ष बदले जाएंगे कांग्रेस के भी और भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन कांग्रेस में लगभग ये तय हो गया है कि अब वो राहुल गांधी अध्यक्ष बने रहेंगे। लेकिन कितने दिन ये देखना दिलचस्प होगा, पर इस वक्त चर्चा इसी बात की लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा और कांग्रेस का कौन। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।